हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई विल होप यू ऑल आर फाइन. आई एम भूपेंद्र वर्मा, योर साइंस टीचर. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज द टर्म एसिड? In general, the substance which are sour in taste are called acids. Generally, हम कह सकते हैं वो substance जो taste में कैसे हों, खट्टे हों, they are known as acids. And the word acid is derived from the Latin word that is acidus, which means sour. जो word acid है वो कौन सी language से आया है? Latin language से लिया गया है और acidus word से लिया गया है, जिसका मतलब होता है sour यानी खट्टा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट एंड बेसिकली नोन एज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज इन आवर सिलेबस. सो डिफाइन इट. एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच गिव एच पॉजिटिव आयन इजिली वेन दे आर डिजोल्व इन वाटर. वॉट इज द मीन ऑफ दैट? वेन द एसिड आर डिजोल्व इन वाटर, दे इजिली रिलीज एच आयन. जैसे ही एसिड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, इट कैन डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस. वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और जो एच पॉजिटिव आयन इजीली देते हैं, दे आर नोन एज एसिड्स. क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? अगेन रिपीट इट. एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव एच आयन इजीली व्हेन डिसोल्वड इन वाटर. एसिड वो सब्सटेंस हैं जो एच आयन देते हैं इजीली जब उन्हें वाटर में डिसोल्व किया जाता है. Clear students? See the example. Hydrochloric acid plus water gives HIN and chlorine ion. That means it gives HIN, so they are known as acid. This HIN is also known as proton. Why it is called proton? You know well, if we remove the one electron of hydrogen, so the remaining species H positive is known as proton because contain only one proton and no neutron. When H positive ion is more time present in water, it converts into protonium or hydronium ion. This is known as protonium and hydronium ion. When H positive ion more time present in water, then it's form the bond with the water and it's form the unstable species hydronium ion. ये एक unstable species बना देता है जिसका नाम है hydronium ion H3O positive. One H and two H forms H3. And positive charge bear over it. Clear students? Now we classify the acids on say types of acids. First, on the basis of origin, acids are classified as. Origin means जहाँ से उन्हें originate किया गया, जहाँ से वो मिलते हैं. First is organic acids. The acids which are derived from living organisms like plants as well as animals are called organic acids. वो acids या तो जो प्लांट से लिए जाएं या एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स. सी द लिस्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड्स. फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, श्योर मिल्क और बटर मिल्क. लस्सी में, दही में और खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड. सेकेंड इज एसिटिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड. फाउंड इन वाइट विनेगर. नेक्स्ट इज formic acid and it is also known as methanoic acid. Found in bee sting and sting. Next is citric acid. Citrus fruits like orange, lemon and grapes, all citrus fruits, jitne khatte fruits hain unme kya paya jata hai? Citric acid. Next is oxalic acid. Green leafy vegetables and tomato, fruity vegetable tomato and leafy vegetable spinach like, found the oxalic acid in it. Next is ascorbic acid and it is commonly known as vitamin C, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खाया जा रहा है. Found in Indian gooseberry or amla. Found in Indian gooseberry or say amla in Hindi. Malic acid. Malic acid found in plums, pears, peaches and blueberries. किस किस में पाया जाता है? नीलबद्री, plums, आलू बुखारा, पियर्स, नाशपाती, पीच, आड़ू, इन फ्रूट्स में पाया जाता है मैलिक एसिड. नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन टेमराइंड,
अनराइप मैंगो, कच्चे आम में और इमली के अंदर पाया जाता है हमारा टार्ट्रिक एसिड. नेक्स्ट इज टैनिक एसिड. टैनिक एसिड इज फाउंड इन टी लीव्स, चाय पत्ती में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टैनिक एसिड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स और से इनऑर्गेनिक एसिड्स. द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड इन लैब्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स और मैन मेड एसिड्स. वो एसिड जो मिनरल से एक्सर्ट किए जाते हैं और जिन्हें लैब में प्रिपेयर किया जाता है, दे आर नोन एज मिनरल एसिड. सी द एग्जाम्पल इन टेबल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन नेचर एंड इट इज अ काइंड ऑफ मिनरल एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, बोरिक एसिड H3BO3, हाइड्रोआयडिक एसिड HI, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड और इनऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ वी क्लासीफाई द एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, विच इज स्ट्रोंगर एंड विच इज वीकर एसिड. स्ट्रोंग एसिड्स, द एसिड्स विच आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इन टू आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रोंग एसिड. वो एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयन्स में, यानी टोटल आयन सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रोंग एसिड. दैट मीन्स वी ऑल्सो से कम्प्लीट सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेन डिजोल्व इन वाटर, इट्स कैन प्योरली डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म प्रोटोन एंड क्लोराइड आयन. फॉर्म प्रोटोन एंड क्लोराइड आयन. सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एच पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयन. सिमिलरली नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म एच प्रोटोन एंड नाइट्रेट आयन. नेक्स्ट इज वीक एसिड्स. द एसिड्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट और से पार्टली और पार्शली डिसोसिएट इन टू आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन इज नॉन एज वीक एसिड्स. वो एसिड जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, दैट मीन्स पार्शली डिसोसिएट. पार्शली डिसोसिएट होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते. दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वो पूरी तरह से नहीं घुलेंगे. जब भी इन वीक एसिड्स को डिसोल्व किया जाता है तो पूरी तरह से ना घुल करके बीच में दिखाई देता रहेगा. जैसे ऑयल को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो कुछ पार्ट उसका दिखाई देता है. नींबू का पानी हम बनाते हैं तो नींबू का सॉल्यूशन उसमें पूरी तरह से ना घुल कर दिखाई देता रहता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड इन वाटर पार्शली डिसोसिएट यूजिंग द साइन डेल्टा फॉर इट. पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव. एसिटिक एसिड इन वाटर पार्शियल प्रोटॉन पार्शली एसिटेट आयन. ये देखिए रिवर्सिबल का मैंने साइन लगाया रिएक्शन में, यानी स्टेबल नहीं है, दोबारा से उसी फॉर्म में वापस जा सकते हैं. तो अनस्टेबल रिएक्शंस होती है, पार्शली डिसोसिएशन रिएक्शन होती हैं. सिमिलरली फॉर्मिक एसिड. नाउ ऑन बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशंस एसिड्स आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. The acids which have very low concentration in aqueous solution are called dilute acids. वो acids जिनकी concentration aqueous solution में सबसे कम होती है अपने dilute acids कहलाते हैं, पानी के अंदर जिनकी percentage कम हो. Concentrated acids, the acids which have the high concentration of acid in aqueous solution is called concentrated acid. Example से समझिए और easily समझ आएगा. 1 mole of hydrochloric acid dissolve in 1 liter of water. 1 mole hydrochloric acid हमने 1 liter water में dissolve किया. In second case, 10 mole of the hydrochloric acid dissolve in 1 liter. So, 1 mole hydrochloric acid is dilute as compared to 10 mole of hydrochloric acid in 1 liter. So, this is a comparison of dilute and concentrated. I hope you are clear about that concentrated and dilute acid. Understood students. Next is on the basis of the number of the H positive ion present in acids can be classified as monoprotic acids, that means produce 1 H ion per mole of acid is called monoprotic acid. Then we easily gives H1 positive ion when they are dissolved in water, known as monoprotic. Similarly diprotic,
The acids which produces 2 moles of H ion per mole of acid is called diprotic acids. See, sulfuric acid H2SO4 when dissolved in water to gives H positive ion 2 H positive ion, that means release 2 H ion diprotic acid. In similarly, triprotic acid release 3 H ion by 1 mole. Iska ek molecule aur ek mole kya dega? 3 moles provide karega. Clear students? Monoprotic, diprotic and triprotic acids. Next is uses of acid. Sulfuric acid is used to make other chemicals in industry. Sulfuric acid is used to refine oil. Sulfuric acid ka use hota hai oil ko refine karne ke liye. Ye jo oil hai isme kya hoga hamara? Industrial oil yani ki jo hamara hai petroleum usko refine karne ke liye use kiya jata hai. Sulfuric acid is used to create fertilizers. Sulfuric acid ka फर्टिलाइज़र यूज़ करने प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली सल्फेट वाले फर्टिलाइज़र जिनमें सल्फर की ज़रूरत होती है. नाइट्रिक एसिड इज़ यूज टू मेक द एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT. TNT का नाम सभी जानते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉलविन, जो एक एक्सप्लोसिव है, ये उसका फॉर्मूला है. तो इसको नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है TNT प्रिपेयर करने के लिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर डाइजेशन इन आवर स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज इन लैब्स. सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ acids. Now some question which are based on acids concept. First question is, why it is advised to add acid into water, not water into acids. क्यों ये advice दी जाती है कि हम acid को water में add कर सकते हैं but water को acid में add नहीं कर सकते. This is because acids like hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid added with water produce highly exothermic reaction because they are strong acid and produce the highly exothermic reaction, high heat providing reaction. If we add water into acid, then H ion which are present in more amount in acids are evaporate and acid will splash out from the beaker and can the harm our skin, eyes, clothes and surrounding. Dekhiye hoga kya? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, आपको पता है वाटर ड्रॉपलेट आने से एसिड क्या होने लगेगा, डिसोसिएशन स्टार्ट करेगा. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और नंबर ऑफ एच आयन प्रेजेंट है, जैसे थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल आएंगे वो उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके डिसोसिएट होना चाहेंगे और हाईली बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, इससे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और वो वेपर्स बन के ऊपर निकलने लगेंगे एंड कॉज द harm to skin, eyes and clothes. So we add acid into water slowly, not water into acid. इसलिए हम acid को water में pour करते हैं, ना कि water को acid में. Next question is, what do all acids have common? All acids have common is H ion. जितने भी acid हैं सारों में common क्या है? H ion. All acids release H ion when they are dissolved in water. Next is, show that all compounds containing hydrogen are not acids. जितने भी compound है सारे compound hydrogen जो carry करते हैं they are not acids. Compounds like sucrose, glucose, ethyl alcohol do not show the acidic nature. Why? Because they does not dissociate into H ion when they are dissolved in water. वो H ion में dissociate नहीं होते हैं जब उन्हें water में dissolve किया जाता है. और acid का nature क्या है? Those gives H ion easily. Compounds like glucose, sucrose and ethyl alcohol do not conduct electricity because they do not dissociate into ions. There is another question, why the glucose, sucrose and ethyl alcohol have the H ion present in it but they do not conduct electricity because they does not dissociate into ions. Show that how the acids are weak work as a electrolyte. First of all, clear that definition of electrolyte. Electrolytes are those solution which dissociate into their ions when they are dissolved in water. जैसे उन्हें पानी में डाला जाता है वो अपने respective ions में breakdown हो जाते हैं, dissociate हो जाते हैं. Acids are work as a electrolyte because they dissociate into ions. We know that in a liquid ions are responsible for conduction of electricity. ये हम जानते हैं किसी भी liquid में conduction of electricity के लिए क्या responsible है? Ions रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिक्विड में आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर.
show that acid do not show acidic behavior in absence of water. So we know that acidic behavior of acid is due to presence of H ion. Acidic behavior H ion ki presence ki wajah se hota hai. But in dry state acid do not dissociate into ions. Dry state mein wo ion mein dissociate nahi hoga. So it does not show acidic behavior in dry state. For test it, when blue litmus paper comes in contact of dry hydrochloric acid gas, do not change its color. If we take a wet litmus paper, then it can show the change in color and dissociation of ion is occur. I hope you understand the above part. Above are the physical properties and other concepts. Now we discuss chemical properties, say chemical reactions of acids. Acids react with active metals to give hydrogen gas. Gives hydrogen gas, for example, see, when acid react with metal to form salt and release hydrogen gas. What is the nature when the acid react with active metals? What are the active metals? The metal which are kept at the topmost position in the your reactivity series are known as active metals. For example, metal plus acid, jo above hydrogen rakhi gayi hai, all are active metals. Metal plus acids gives salt and hydrogen gas. This is a general reaction. You remember only general reaction for it. Zinc react with sulfuric acid form its sulfate and release hydrogen gas. Next is iron plus hydrochloric acid give ferrous chloride gives hydrogen gas. Sodium plus HCl gives NaCl plus hydrogen gas. Aluminum hydrochloric acid gives aluminum chloride release hydrogen gas. Copper do not do the reaction because copper is not an active metal. It is less reactive than hydrogen. So it does not do this process. All above reactions are metal acid reactions and also known as displacement reactions. Next is acid react with metal carbonates and metal bicarbonates, say hydrogen carbonates, to give carbon dioxide. There are the two type of reaction. Metal react with hydrogen carbonates and metal carbonates. They gives carbon dioxide gas. If the metal react with acid react with carbonates to release gas. See general reaction of the first part. Metal carbonate plus acids gives salt plus water plus carbon dioxide. जब भी हम carbonate के साथ reaction करवाएंगे acid की, तो हमेशा कौन सी gas release होगी? Carbon dioxide. See first example. Sodium carbonate plus hydrochloric acid gives sodium chloride and water and carbon dioxide. तो देखिए water और carbon dioxide तो must है दोनों सारे cases के अंदर. आपका salt आपने बनाते जाना है. Calcium carbonate, sulfuric acid form calcium sulfate, water and carbon dioxide. Similarly, zinc carbonate, hydrochloric acid form zinc chloride, water and carbon dioxide. Sodium carbonate, acetic acid, sodium acetate, water and carbon dioxide. Potassium carbonate, acetic acid, potassium acetate, water and carbon dioxide. Next type, when the metal react with the metal hydrogen carbonate or metal bicarbonate forms salt, water and carbon dioxide. Metal hydrogen carbonate plus acid gives salt plus water plus carbon dioxide. देखिए metal carbonate हमारे पास first है sodium bicarbonate, acetic acid, sodium acetate, water and carbon dioxide. Calcium bicarbonate, hydrochloric acid, calcium chloride, water and carbon dioxide. Potassium bicarbonate, sulfuric acid, potassium sulfate, water and carbon dioxide. Our next type of chemical reaction is acid react with metal oxide to form salt and water. Why it forms salt and water? Acid react with metal oxide to form salt and water. Metal oxide jo hai dekhiye hamare paas hai as what is the nature of metal oxide? Basic. Metal oxide are basic in nature and non metal oxide are acidic in nature. We learnt it about in class 8. When an acid react with metal to form salt and water, because metal oxides are basic in nature, so it is a type of neutralization reaction. Metal oxide plus acid gives salt and water. Copper oxide is a metal oxide, is a basic in nature, and hydrochloric acid is an acid, then they form copper chloride and water. Similarly, magnesium oxide plus sulfuric acid, magnesium sulfate and
water, calcium oxide, hydrochloric acid, calcium chloride and water, sodium oxide plus sulfuric acids, sodium sulfate and water. Next type of chemical reaction is neutralization reaction, when the acid and base react with each other to form salt and water. Hydrochloric acid, sodium hydroxide gives NaCl and water. Sulfuric acid, calcium hydroxide, calcium sulfate and water. And hydrochloric acid, potassium hydroxide gives potassium chloride and water. These are the chemical properties of acids. I hope you understand this part of the chapter. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.